तो गाइस जैसा कि यार थंबनेल और टाइटल देख के आपको समझ आ ही चुका है कि ये वीडियो 1050 Ti के बारे में है, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको 1050 Ti क्यों नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप 1050 Ti खरीदने की सोच रहे हो, नया PC बिल्ड कर रहे हो, या 1050 Ti ले लिया है, या कुछ भी कर लिया है, तो इन सारे सिनेरियोज में आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए। और मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो में 5 मिनट से कम में कवर कर दूँ सीधा पॉइंट टू पॉइंट। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। पहली बात तो यार गाइज नॉर्मल कि मतलब आप लोगों के लिए ना बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है जो कि है इंडियन सेटअप वॉर्स। जी हाँ, PC वॉर्स नहीं, सेटअप वॉर्स, जहाँ पे आपको एक्चुअल गिफ्ट्स मिलते हैं। और इस बार मे बी आपके लिए कैबिनेट्स SSDs हो सकती हैं, मे बी गिफ्ट में आपके लिए कैबिनेट्स CPU कूलर्स हो सकते हैं गिफ्ट में। तो अगर आप इसमें पार्ट लेंगे तो आपको ये सारी गिफ्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और मे बी आपके लिए इस बार स्लीव्ड केबल्स, जो आपने अंग्रेजों के बिल्ड में देखी होगी ना, फॉरनर यूट्यूबर्स दिखाते हैं अपने उसमें कस्टम स्लीव्ड केबल्स, कस्टम स्लीव्ड केबल छोड़ो, हो सकता है अगर सब कुछ अच्छा रहा, आपकी दुआ रही, भगवान ने साथ दिया, तो आपके लिए इस बार हो सकता है कस्टम स्लीव केबल्स छोड़ो, आपके लिए RGB केबल्स आ सकती हैं। बिल्कुल गिफ्ट में, सेटअप वॉर्स के गिफ्ट में आपके लिए RGB, रेड ग्रीन ब्लू, आई मीन मतलब RGB का मतलब समझते हो, मतलब चमचमाती हुई लाल पीली हरी नीली बैंगनी RGB केबल्स, तारे। तुमने RGB CPU कूलर देखा होगा, तुमने RGB ग्राफिक कार्ड, तुमने RGB मदरबोर्ड देखा होगा। मैं RGB केबल्स की बात कर रहा हूँ, तारों की बात कर रहा हूँ मैं, वायर्स की, ठीक है। तो RGB केबल्स भी तुम्हारे लिए आ सकती हैं। तो सेटअप वॉर्स के बारे में जो भी आपको जानना है, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, अभी सेटअप वॉर्स शुरू नहीं हुआ है, तो चिंता मत करो, कुछ दिनों में शायद सेटअप वॉर्स शुरू हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटे का जो भी बटन होता है उसको दबा लो ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी शुरू हो। और उसके बाद ये तो कुछ भी नहीं, उसके बाद लैन सर हमने कुछ इवेंट वगैरह, एक टूर्नामेंट सोचा है, गेमिंग टूर्नामेंट जिसमें आप सब पार्ट ले पाओ। मे बी शायद वो पबजी मोबाइल का हो, मे बी CS:GO का हो, डिपेंड करेगा लोग कैसे वोट करते हैं। सो यार स्टे ट्यून फॉर दैट। अब बात करते हैं 1050 Ti पे। तो यार देखो, मैंने ना दो चीज़ें नोटिस करी हैं। पहली बात देखो, बहुत पहले की ये बात है और काफ़ी समय से लोग वीडियो देखते हुए आ रहे हैं कि मतलब जब हर कोई जब 1050 Ti की बात करता है ना, तो हर कोई कहता है कि 1050 Ti गरीबों का मसीहा है। अब ऐसा क्यों है कि मतलब अगर कोई बंदा एक स्ट्रिक्ट बजट के अंदर है, 40,000 मे बी 30,000, तो वो एक 1050 Ti खरीद सकता है। अब 1050 Ti एक ऐसा ग्राफिक कार्ड था जो तुम्हें हाई सेटिंग्स पे 60 FPS खिलाता था 1080p पे, ठीक है। और जो पुराने पुराने गेम्स हैं उनको तो तुम चलो और अल्ट्रा सेटिंग्स पे खेल सकते थे, जैसे GTA San Andreas, Vice City, चलो उसको तो चलो फिर भी छोड़ दो, ठीक है, वो तो तुम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे भी खेल सकते हो, बट स्टिल वो एक काफी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड था। तुम उसमें GTA 5 जैसे गेम्स, जो गेम्स हैं अच्छे खासे गेम्स हैं, तुम उनको हाई सेटिंग्स पे 60 FPS का मजा ले सकते थे 1080p पे, ठीक है। तो काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड था 1050 Ti। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि तुम इसे मत लो, देखो गाइस साफ सीधी बात है कि अगर तुम 1050 Ti पुराने गेम्स खेलने के लिए ले रहे हो ना, तो तुम्हें 60 FPS मिलेंगे, तुम्हें नए गेम्स में 60 FPS नहीं मिलेंगे, साफ सीधी बात है। अगर तुम जैसे नए गेम से मेरा मतलब है, जैसे तुम Battlefield 5 खेल लो, जो कि मेरे पास सामने पड़ा हुआ है और मैं ट्राई कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तुम अगर Battlefield 5 खेलते हो, तुम शैडो ऑफ द टूम रेडर लेटेस्ट आया है तुम उसे खेलते हो, तुम असासिन क्रीड ओडिसी खेलते हो, तुम असासिन क्रीड ओडिसी छोड़ो, तुम असासिन क्रीड ओरिजिन्स खेलते हो, तो भी तुम्हें 60 FPS नहीं मिलने वाले, तुम्हें मिलेंगे हाई सेटिंग्स पे। मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लो मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाई सेटिंग्स पे बोल रहा हूँ अच्छा खासा। अब तुम रेजोल्यूशन या टेक्सचर क्वालिटी लो करोगे तो वो बात तो फिर तब तो चलो फ्रेम्स बढ़ेंगे, बट मैं एक जनरल बोल रहा हूँ कि अगर तुम हाई सेटिंग्स पे खेलते हो, तुम्हें अराउंड 40 to 42 FPS मिलेंगे, 20 FPS का अंतर, ठीक है। 40 पे भी अगर तुम्हें FPS मिलते हैं तो 40 से 60 के बीच में है 20 FPS का अंतर, ठीक है। तो तुम्हें 60 FPS नहीं मिलने वाले हैं लेटेस्ट गेम्स में, अगर आप खेलते हो GTA 5 जैसे गेम्स। GTA 5 को आए हुए 3-4 साल से ज्यादा हो चुका है, ठीक है, तो उसमें आपको ऑफकोर्स ज्यादा FPS 60 FPS मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि हो सकता है आपको और भी कम FPS मिले। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो गाइस सुनने में आया है, मैं देखो साफ सीधी बात है, मैंने NVIDIA का कार्ड कभी यूज किया नहीं जिंदगी में, आई मीन पर्सनली यूज़ नहीं किया, मतलब मैंने कई दोस्तों के PC बिल्ड्स किए हैं, मैंने अपने कई सब्सक्राइबर्स के PC बिल्ड किए हैं, उनके लिए मैंने NVIDIA का कार्ड यूज़ किया है, NVIDIA कार्ड मैंने यूज़ किया है, मतलब यूज़ किया है, लेकिन अपने लिए पर्सनली मैंने कभी NVIDIA का कार्ड नहीं खरीदा, ठीक है। मैं हमेशा AMD का ही कार्ड मुझे सस्ता मिला, मुझे AMD के कार्ड पर हमेशा अच्छी डील मिली, मेरी किस्मत में हमेशा AMD ही आया, तो मैंने वही लिया, तो मैं AMD यूज़र हूँ, तो मैं बता नहीं सकता आपको। तो एक चीज़ मैंने बहुत सुनी है यार कि NVIDIA अपने कार्ड्स को ना नर्फ करता है, आई मीन वो अपने कार्ड्स की परफॉर्मेंस स्लो कर देता है। आप परफॉर्मेंस स्लो करने से मेरा मतलब क्या है, मतलब जो भी तुम्हारे लेटेस्ट ड्राइवर अपडेट्स आते हैं उससे तुम्हारे ग्राफिक्स कार्ड की परफॉर्मेंस जो है वो स्लो होती जाती है। अब आप बोलोगे कि यार ड्राइवर से तो परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए, स्लो क्यों हो रही है, तो देखो जब गाइस NVIDIA अपने नए ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च करता है ना, तो वो पुरानों की स्पीड स्लो करता हुआ जाता है, ताकि ना जो उनको बंदों को परफॉर्मेंस कम मिले वो सोचे कि अब उसका ग्राफिक कार्ड पुराना हो चुका है, फिर वो नए ग्राफिक्स कार्ड की तरफ लें। ये एप्पल भी कर चुका है, आपने सुना होगा एप्पल जो है वो अपने पुराने आईफोन्स को स्लो कर रहा है,
करवाया, उनकी बैटरी लाइफ जो है बढ़ जाए, ऐसा कुछ जो भी उसका सीन था, मतलब एप्पल के ऊपर केस था और एप्पल ने इसे एक्सेप्ट किया था कि वो ऐसा करता है, एप्पल ने एक्सेप्ट किया था। सेम चीज़ एनवीडिया के साथ है। बहुत सारे लोग बोलेंगे तुम्हें ऐसा कि एनवीडिया ऐसा करता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एनवीडिया ऐसा नहीं करता है, कोई नहीं जानता, मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट अगर मैं 1% चांस के लिए मान लूँ कि एनवीडिया ऐसा करता है तो 1050 Ti में तो वैसे भी तुम्हें लेटेस्ट गेम्स में 40 FPS मिल रहे हैं, और अगर एनवीडिया ऐसा करता होगा तो तुम्हारे जो अच्छे खासे FPS 40 आ भी रहे हैं वो भी नहीं आएंगे, आई मीन अराउंड 30 में फिर तुम अटक जाओगे, ठीक है, हाई 30s, मिड 30s में ऐसे में अटक जाओगे। और ये मुझे अभी, मैं इस पॉइंट को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि देखो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसके पास 1060 है, GTX 1060, उसके पास i7 8700 की है जो कि 5 GHz पे ओवरक्लॉक्ड है, ठीक है, उसके पास 3000 MHz 16 GB की किट है रैम की, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि उसके पास कोई सिस्टम में बॉटल लेके, तो वो जो है वो 2080 लेने की प्लान कर रहा था, तो जब तक 2080 नहीं लॉन्च हुआ था तो वो 1066 GB यूज़ कर रहा था, टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था। तो अभी वो क्या नोटिस करता है, अभी वो बंदा मेरे को मैसेज करके बोलता है कि भाई मैंने एनवीडिया का लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड का जो ड्राइवर आया वो अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद उसके FPS जो है वो कम हो गए हैं, परफॉर्मेंस उसके 1060 की कम हो गई है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उसके CPU में तो देखो कोई बॉटल है नहीं, ऐसा तो नहीं है उसको मरे हुआ CPU यूज़ कर रहा है, उसकी रैम भी अच्छी खासी है, 16 GB है, 3000 MHz, तो यार कुछ बॉटल नेक का तो मुझे इशू लग नहीं रहा है। हाँ हो सकता है कुछ इशू हो, लेकिन पर फिर भी यार एक ड्राइवर अपडेट के बाद उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, तो हो सकता है एनवीडिया अपने कार्ड्स की परफॉर्मेंस स्लो कर रहा हो, ठीक है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इस वक्त पे अगर आप एक 1050 Ti ये सोच के लेते हो कि आपको जो लेटेस्ट गेम्स हैं उनमें आपको हाई सेटिंग्स पे 60 FPS मिल जाएंगे क्योंकि आपने किसी यूट्यूबर की 3-4 महीने पुरानी वीडियो देख ली या 1 साल पुरानी वीडियो देख ली, तो आप गलत हो, हो सकता है तो आप AMD के RX 570 को लो क्योंकि वो 1050 Ti से थोड़ा फास्टर है, तो मे बी उससे आपको अच्छे FPS मिल जाए, हो सके तो 1066 GB को लो, NVIDIA का ही चाहिए तो 1066 GB लो क्योंकि वो अगेन 1050 Ti से फास्टर है, तो आपको 1080p हाई सेटिंग्स में 60 FPS तो एटलीस्ट दे ही देगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप ये सोच के चल रहे हो, आपने एक मोटिव बनाया हुआ है कि हाँ मैं ग्राफिक कार्ड लूंगा और वो ग्राफिक कार्ड हाई सेटिंग 60 FPS की कैपेबल होगा हर गेम में, तो यार ये 1050 Ti के साथ आप पॉसिबल नहीं है। आप चाहो तो यूट्यूब पर बेंचमार्क सर्च कर सकते हो हाई सेटिंग्स पे, बैटलफील्ड 5, शैडो ऑफ द टूम रेडर, असासिन्स क्रीड ओडिसी, असासिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग, नहीं ब्लैक फ्लैग तो काफ़ी पुराना हो गया, असासिन्स क्रीड ओडिसी और नया वाला कौन सा आया था, ओरिजिन्स, यस ओरिजिन्स, इस टाइप के जो नए नए गेम्स हैं इनको आप चाहो तो सर्च कर सकते हो इनके बेंचमार्क्स 1050 Ti हाई सेटिंग्स पे, आप समझ जाओगे कहाँ कहाँ पे फ्रेम्स ड्रॉप होते हैं, कहाँ कहाँ पे कितनी परफॉर्मेंस FPS मिलती है। तो यार अगेन 1050 Ti अभी तो मत लो, ठीक है, और वैसे भी नए ग्राफिक्स कार्ड तो NVIDIA के आ ही चुके हैं, ठीक है, तो NVIDIA हो सकता है पुरानों की परफॉर्मेंस डाउन कर रहा हो। सो धन्यवाद, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस।